क्या आप जानते हैं आपके साथ कब फ्रॉड हो सकता है? तो आइए बताता हूं मैं आपको। क्या आप जानते हैं कि आपके आधार कार्ड पे कितने सिम एक्टिव हैं? आपको नहीं पता शायद। अब मेरे साथ भी इसी, मेरे आधार कार्ड पे कम से कम 8 से 10 सिम एक्टिव हैं, जो कि मुझे उनका नंबर भी नहीं पता। मैं आपको लिस्ट अभी दिखाऊंगा। तो आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, वो कहीं नंबर चल ना रहा हो, जो कि मेरा आधार कार्ड बहुत पहले यूज होता था, जबकि टेलीकॉम कंपनीज जो होती थी वो क्या करती थी कि उस टाइम पे उतना मैंडेटरी नहीं होता था फिंगरप्रिंट वगैरह, तो आधार कार्ड लेके सिम दे देती थी। तो यही हुआ। तो आज मेरे आधार कार्ड पे दसियों नंबर चल रहे हैं। कौन सा नंबर चल रहा है मेरा और कौन सा मेरा पर्सनल है, उसके अलावा जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते हो कि वो आपका सिम नहीं हो, आपका सिम बंद भी कराया जा सकता है। तो आइए बताता हूँ आप कैसे पता करें कि आपका नंबर कौन सा आपके आधार कार्ड पे चल रहा है। क्रोम पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे क्रोम पे मैं गूगल में डालूँ टैप कॉप, और टैप कॉप डालते ही आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, इस पर क्लिक कर लिया मैंने। अब क्या करना, जो यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर लिखा है आपको, जो आपके पास चल रहा है वो प्रॉपर मैं देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कैप्चा आपको डालना है, और कैप्चा मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके कैप्चा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और कैप्चा डाल करके हम लोग वेट कर लेंगे ओटीपी का। ओटीपी के लिए मैंने एस कर दिया, और ओटीपी मैं डाल देता हूँ। ओटीपी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और ओटीपी इंटर करते ही आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पे प्रेस कर देना है। और जैसे आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे, आपके फ़ोन से यानी आधार कार्ड जितने भी नंबर एक्टिव हैं यहाँ पे दिख सकते हैं, जिसमें मैं दो ही नंबर के बारे में जानता हूँ, और बाकी मुझे अपने नंबर्स के बारे में नहीं पता किसके पास चल रहे हैं नंबर। ये फ़िलहाल आप इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, और इस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर बंद भी हो जाएगा। थैंक यू।